लो। और अभी जो नेचर है ना बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत क्या होगा, अरे बाप रे, अरे फूट गया क्या किसी को। आई एम ए फनी क्रिएटर, मुझे अपना बना लाने दो, मेरे को भी जीनो तो साला एक एक का बदले लेगा मैं। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ साला वो जो अपन क्लास में बैठते थे तो ऊपर जो पंखा चलता था वो गिरा तो क्या। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज से मैं शरीफ बनना जा रहा हूँ और मैं बैक बेंचर की तरह नहीं नॉर्मल लोगों की तरह ब्लॉग बनाऊंगा और मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा, सॉरी मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरी हरकतें ही ऐसी है कि मैं नॉर्मल लोगों के जैसे रह नहीं सकता हूँ, मतलब उनके जैसा मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, मेरे से मतलब बनता भी नहीं है और कुछ नहीं। सामने क्या हो गया, पेल दिया गया किसी न किसी को, तो ऐसा होना ही चाहिए भगवान जी, मतलब ऐसा पेलम बाली मत बचाओ भाई। ऐसे आले तीतर की मौत मारेंगे सालो, धीरे चला लो गाड़ी, मैं भी धीरे चलाता हूँ, तीतर की मौत नहीं मरना मैं तो। अरे भैया, अरे अरे अंकल अंकल अंकल, लो 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 पुदीना। आई एम ए फनी क्रिएटर, आई एम नॉट इंग्लिश बोलिंग। अरे साला गऊ, अबे बे बे बच गया भाई लड़का, आराम से चला ब्रो आराम से। पिछवाड़ा अभी बरसात चल रही है, घटाएगा पूरा पिछवाड़ा, छुल जाएगा पूरा, ऐसा निशान बन जाएगा भाई। हाँ नहीं तो और कहीं पड़ेगा तो लड़की नहीं देगा भाई कोई, सोच समझ के भगाओ। तुम्हारे पास राइडिंग गियर नहीं है, तुम स्किल वाले नहीं हो। हाँ मैं, अरे बाप रे भैया को देखे तनी मुझे अपना बना के देखो, ये बकरी मैं चरा लूंगा क्या होगा, अरे बाप रे, अरे फूट गया क्या किसी का टायर, फूट गया गाइस, गाइस टायर फूट गया, गाइस पिछला टायर फूटा, अच्छा हुआ सामने का फटता ना। हाँ समझ जाओ फिर, सामने का फटने से पहले अंकल ने अपनी सावधानी दिखाई है, मतलब दिखाई है अरे इसकी ऐसी डर गया भाई, मैं कसम से भाई डर गया भाई, साला इतने अच्छे से बातें कर रहा था एकदम से निकाल लिया चमकांडी ने। ये भी कोई बात होती भाई, तुम डरा रहे हो हमको बच्चे समझ के, छोड़ूंगा नहीं भाई तुमको, लाने दो मेरे को भी जीनो तो, साला एक एक का बदला लेगा मैं, एक एक से बदला लेगा मैं, क्यों चच्चा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये देखो क्या है, देखा क्या भगवान जी दिख रहे, आए साहब अबर आ चुके सिमरिया और ये प्लेस घूमने के लिए नहीं है, भगवान के लिए बहुत प्यारी है और देख सकते हो भाई कितना ही प्यारा लग रहा है लो। और अभी जो नेचर है ना बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है और परी को गुस्सा आ रहा है देख लो। परी बेटा आराम से बेटा, अपन अभी ऐसी ऐसी जगह जाएंगे कि पूछो मत, तुम फिर ऐसी हरकतें करोगे परी कैसा अच्छा लगेगा कहिए कुछ भी। परी यार सच में परी, तो गाइस मैं एंगल चेक कर लेता हूँ आगे जाके क्योंकि एंगल बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि सही एंगल होगा, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बाकी सही होगा। अरे ओमनी मिल गई, ऑनचो ओमनी साली, और बस वाले को देखा, अरे भैया यहीं ला ले, ओबे भाई कितना खतरनाक चला रहे ये लोग भाई, थोड़ा तो डर लग रहा चाहिए तुमको, साला पेलो का क्या बच्चे को, काले लोग चिमकांडी, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ साला वो जो अपन क्लास में बैठते थे ऊपर जो पंखा चलता था वो गिरा तो क्या होगा, तो मैं तो यही सोचता था वो गिरा तो कौन के ऊपर गिरेगा, मैं उसके नीचे कभी बैठा ही नहीं भाई, बैठे नहीं, इतना डर लगता है यार गिर गुर गया तो। और कभी कभी ये सोचता हूँ सुपरमैन बन के बचाऊंगा लोगों को, मतलब उससे ऐसा होगा तो नहीं, पहले तो मैं ही भागूंगा बचाने की बात तो दूर की भाई। अबे साले तभी मेरा माफ सीन बताता हूँ गाइस, मतलब वो क्या रहा है कि मैं मतलब काम किया था एक दिन, मतलब नॉर्मली काम हर बार करते हैं, मूर्ति का काम चल रहा है अपने घर, तो अपन वैसे ही काम करने लगा भाई मैं वैसे ही नॉर्मली। अब हुआ क्या वहाँ पे कि मैंने अच्छा मतलब जोश जोश में कर तो लिया, फिर मेरे पैर दुखने लगे, ठीक है पैर दुख रहे तो ठीक है मैंने स्टार्टिंग में झेल लिया, और फिर इतने तेज़ दुखने लगे कि मेरे से खड़े होते नहीं बन रहा, 2 दिन तो मैं बेड पे पड़ा था। अभी ब्लॉग बनाने आ गया हूँ, घर वाले को पता चला ना कि मैं ब्लॉग बनाने आया हूँ, इधर देखना मेरे को कितने भजन सुनाएंगे भाई, सब लोग ही भजन सुनाएंगे मेरे को,
साले तुमको चैन नहीं है, तुमको ये नहीं है, तुमको वो नहीं है। और उन लोग को कौन बताएगा कि राइडिंग करने से मेरे को सुकून मिलता है। और ये आवाज़ मेरा दिल ले गई भाई, दिल ले गई, मेरा किडनी फेफड़ा गुदा सब ले गई भाई। ये वाली आवाज़ देख लो, ये वाली। और अपन को जाना घर, और अब बारिश होने लगी ऐसा लग रहा है। भगवान प्लीज़ घर जाने तक घर मत करना बारिश, भगवान इतनी कृपा कर दो बस, क्योंकि मेरे को घर जाना है। और मैं साइड कट निकल रहा हूँ भगवान, पहले ही बोल दे रहा हूँ। गाइस बारिश हो रही है बहुत तेज, अबे मेरे को डर लग रहा है, मैं रुकूंगा कहाँ भाई। अबे भाई प्लीज भगवान जी प्लीज ऐसा मत करो भगवान जी, प्लीज भगवान मत करो ऐसा टच। और मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है। फोन गीला हो सकता है, अपना फोन गीला हो सकता है। और अपन बारिश में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, अपन को और आगे ब्लॉग भी बनाना है भी। और ये कुछ ब्लॉग था आज का, कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। पिछवाड़ा दुखने लगा भाई।